नमस्ते सभी भाई बहनों को, नमस्ते प्रणाम। आज मैं आपको थोड़ा बहुत बताने जा रहा हूँ एक्यूप्रेशर। कैसा भी भयंकर दर्द हो शरीर में, एक्यूप्रेशर से अपन 99.99% लाभ पा सकते हैं। कभी कभी तो लोग आते अपने पास, हाथ ही नहीं हिलता है, तो थोड़ी देर में उनका हाथ क्या गर्दन पूरा शरीर हिलने लग जाता है, इतना जबरदस्त है। कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा शरीर हो, आज भी थोड़ा बहुत एक्यूप्रेशर का नॉलेज रख के कहीं भी कभी भी किसी की भी सेवा कर सकते हो। आपको चाहे सिर में दर्द हो, चाहे घुटने की परेशानी हो, कमर में दर्द हो, किसी भी प्रकार की, तुरंत आराम, एक्यूप्रेशर चिकित्सा। ये पांच अंगुलियां पांच महाभूत तत्व का बोध कराती है हमें, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। भगवान ने सब कुछ हमारे भीतर चुंबकीय शक्ति दे रखी है। पॉइंट दबाने से, एक्यूप्रेशर करने से अपने भीतर विद्युत शक्ति का संचार होता है। इसी से अपने भीतर कोई भी कठिनाई है, कोई परेशानी है, कोई दर्द है, वो दूर भागता है। क्या करना, ये अपनी पांच अंगुलियां, इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अपन दो दो मिनट किसी भी बीमारी का, मैं आपको बताता जा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, आप सीखना। ये अंगूठा है, कैसा भी सिर में दर्द हो, यहाँ दबाने से सिर दर्द गारंटी से ठीक हो जाता है दो मिनट में। ये अंगूठे को टोप से दबा दो, ऐसे दो मिनट में कैसा भी सिर दर्द हो ठीक हो जाता है, तुरंत आराम। खाली पेट दबाओ तो सबसे अच्छा है। इसके बाद ये साइनस की, ये सारे पॉइंट है, ये साइनस के लिए, ये ऊपर वाले टॉप पॉइंट साइनस के लिए, नाक बहता हो, सर्दी, खांसी, जुकाम, साइनस, ये सारे पॉइंट दबा देना साइनस के लिए, माइग्रेन के लिए। सिर में दर्द हो तो ये दबा देना, इससे ब्रेन की सारी दुर्बलताएं दूर होती हैं। उसके बाद यहाँ नीचे आते हैं, ये पॉइंट है, ये है आंखों के लिए। यहाँ धीरे धीरे दबाने से आंखों की ज्योति बढ़ती है। कई बार तो देखा कि बच्चों की एक पुतली इधर जाती है, किधर जाती है, ऐसे दबाने मात्र से दोनों आंखों की पुतलियां सामने हो जाती हैं। वो जबरदस्त पॉइंट है। यहाँ कानों के लिए, कान से मवाद आना, कम सुनना, पर्दा फटा हुआ हो, धीरे धीरे प्रेस करना, जो बहरा आदमी उसको भी सुनने लग जाता है, बहुत जबरदस्त पॉइंट है। ये फेफड़ों के लिए, यहाँ दबाने से फेफड़ों संबंधी विकार दूर होते हैं, सर्दी, खांसी, दमा, कैसी भी बीमारी हो। उसके बाद यहाँ नीचे आते हैं, यहाँ हार्ट के लिए, कई बार तो हार्ट के अवरोध भी खुल जाते हैं यहाँ दबाने से, बहुत जबरदस्त पॉइंट है यहाँ, ये हार्ट के लिए। उसके बाद इसके नीचे यहाँ डायबिटीज के लिए, धीरे धीरे प्रेस करना रोज सुबह सुबह 30 सेकंड से 2 मिनट तक रोज कर सकते हैं। इसके बाद ये आंतों के लिए, ये इधर, ये आंतों के लिए दबाना, इससे आंतों की बीमारियां दूर होंगी। उसके बाद ये इधर थायराइड के लिए, जो उभरा हुआ भाग है, ये दबाने से थायराइड अच्छी होती है। यहाँ ये थायराइड के लिए, बाद में यहाँ जो अंगूठी मोड़ती है लगती है, यहाँ ये किडनी के लिए पॉइंट है, ये इधर, यहाँ अंगूठे के नीचे दोनों हाथों में, ये किडनी के लिए, यहाँ दबाने से किडनी अच्छी होती है, किडनी का क्रिएटिन लेवल अच्छा हो जाता, होना चाहिए आधा से डेढ़, फिर हम आपको विस्तार से बताएंगे। फिर ये मूत्र संबंधी बीमारी के लिए, किसी को भी हो यहाँ से दबा लो बीच में से। फिर यह है इधर, ये सर्वाइकल पेन के लिए, जो अपनी पीछे की गर्दन का इधर दर्द होता है, स्पाइन कोड, ये पूरा यहाँ से ऐसे धीमे धीमे प्रेस कर दो, किसी से, पेन से, हाथ से, जैसे आपको लगे यहाँ तक दबा दो। उसके बाद यहाँ ये गर्दन के लिए, कंधे के लिए, इतना जबरदस्त है, गर्दन कैसी भी झाम हो एकदम ठीक हो जाती है। कंधे के लिए, किसी का हाथ नहीं उठ रहा ऊपर, कंधे में बहुत ज्यादा दर्द हो, यहाँ से दबा दो मेरे भाई साइड से, तुरंत दो मिनट में कंधा ठीक हो जाता, दो मिनट लगती ही नहीं है, आदमी सोचता है ये हो कैसे गया। फिर ये बीच में पेट के लिए, फिर यहाँ ये स्टोमच के लिए, अमाशय के लिए। फिर सबसे बढ़िया पॉइंट है, किसी की बीपी लो हो जाए उसको हाई करने के लिए ये बड़ी वाली अंगुली दबा देना, किसी की लो हो उसको तो हाई करने के लिए दबा देना, किसी की हाई हो, दो मिनट या सेकंड, रिंग फिंगर, इसीलिए तो कहते हैं मगनी पे अंगूठी पहना दो। आजकल शादी होने पे लोगों को बीपी हो जाती है, यानी बीबी और बीपी का दोनों का थोड़ा थोड़ा चक्कर होता है, यहाँ से दबा दो, ये थोड़ा विनोद में, यहाँ से दबाने से बीपी ठीक हो जाती है, कैसी भी बीपी की प्रॉब्लम हो यहाँ दबाने से। बाद में किसी कैसी भी कमर की प्रॉब्लम हो, घुटने का दर्द हो, घुटने में दर्द हो, ये इसको दबा दो। शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो, यहाँ से इस पूरी अंगुली को दबा दो, या पेन लेके ऐसे 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 कर दो, कैसा भी शरीर में दर्द हो तुरंत आराम मिल जाता, तुरंत। आगे
बहुत सारे पॉइंट है। छोटे बच्चे पेशाब करते हो यहाँ से दबा दो, बिस्तर में पेशाब करना पहले दिन बंद कर देते हैं, दो खजूर खिला देना रात को और यहाँ से दबा देना। बिस्तर में जो बच्चे पेशाब करते हैं उनका पेशाब करना पहले दिन बंद हो जाता है। और उसके बाद देखो ये इधर, ये प्रोस्टेट के लिए, फिर ये ओवरी, गर्भाशय के लिए, यूट्रस के लिए, अलग अलग पॉइंट है ये, यूट्रस के लिए, ओवरी के लिए, यहाँ ये प्रोस्टेट के लिए, ये पाइल्स फिस्टुला बवासीर के लिए, इधर ये अलग अलग पॉइंट है, इनको सबको दबा लेना चाहिए ऐसे। इसीलिए तो माता बहने कंगन पहनती, उनको कोई रोग ना हो। फिर पीछे, ये पीछे यहाँ कमर के लिए, यहाँ दबाने से कमर अच्छी हो जाती है यहाँ से। फिर यहाँ अंदर की ओर दबाते इसका इसका दोनों का मिलता है, यहाँ दबाते तो यहाँ से सिर दर्द ठीक होता है, अंदर की ओर दबाते हैं तो यहाँ से नाभि ठीक होती है। फिर ये है अलग अलग, ये चैनल दबाने से कोहनी का दर्द हो, कलाई का दर्द हो, हाथ का दर्द हो, एकदम अच्छा हो जाता है, बहुत जबरदस्त है। नहाते समय ऐसे यहाँ से रगड़ना चाहिए, थोड़ी मालिश मालिश करनी चाहिए, बहुत जबरदस्त पॉइंट है। और राइट हैंड में यहाँ लीवर के लिए, किसी का भी लीवर गड़बड़ हो गया हो यहाँ दबाओ, लीवर अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छे पॉइंट है। सुबह सुबह रोज दबाना और कम से कम एक शेयर जरूर करना आगे, सब लोगों को एक्यूप्रेशर के बारे में थोड़ा बहुत भी पता हो तो आराम से अपन दूसरों की सेवा कर सकते हैं, स्वस्थ बना सकते हैं। किसी का नाक रुक गया हो तो यहाँ से ऐसे दबा दो, सर्दी खांसी जुकाम में बहुत काम करता है ये पॉइंट है। फिर किसी को सिर में दर्द हो यहाँ साइड से ऐसे ऐसे दबा सकते हैं। बाद में किसी को प्रोस्टेट की बीमारी हो, ये जो कान में उभरा हुआ भाग है इसको ऐसे दबा के उठक बटक निकाल दो एक दो, इससे एकदम ठीक हो जाता है। मेरे भाई बहन आप भी एक्यूप्रेशर सीखो और कम से कम एक शेयर तो जरूर बनता है। सबका धन्यवाद। रोज 2 मिनट से 5 मिनट दबा लो, फिर मैं लेके आऊंगा आपको लिए हाथों के लिए पॉइंट बताए। अब आपको पैरों के लिए, घुटने के लिए, कितनी भी भयंकर बीमारी हो एक्यूप्रेशर से आप आश्चर्यजनक लाभ होता है, आप सोचते रह जाएंगे ये हो कैसे गया। धन्यवाद।